पहले आप साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो। कैसे करते पता है? वैल्यू पुट करके, और इसके बाद इसमें क्या पुट करो? वैल्यू। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर हमने प्रॉपर्टी से किया तो प्रॉपर्टी से आने कैसे? साइन एक्स है ना, फंक्शन में एक्स की जगह क्या लिखना? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह। ये साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसा है वैसा। यानी एक्स की जगह क्या लिखना? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस। यानी ये प्रॉब्लम हम इंटीग्रेशन चैप्टर के हिसाब से कर सकते थे, लेकिन हम प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। बताओ कितना होगा वो? साइन 30 प्लस 60 90 ना, यानी कितना? 5 और ये स्क्वायर। अब बताओ 5/2 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, 5/2 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है। साइन का क्या होता है? कॉस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर ऐसे ना लिखते हो आप, कैसा लिख सकते हो? ऐसे ना, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट करके थोड़ी लिखते हो, ऐसे लिखते हो। सर क्या फायदा हुआ? वो तो साइन स्क्वायर था, तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर। ये नंबर वन देना, प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आएगा उसको नंबर टू देना। फिर क्या करना है? एडिंग वन एंड टू करना। तो लेफ्ट में आई और आई, तो क्या होगा? आई प्लस आई ना, लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है ना प्लस राइट साइड। करो अब इनका एडिशन। एडिशन करते समय ये टू आर, बताओ लिमिट सेम है ना इनका? सेम लिमिट है तो एक जगह लिख सकते हैं, लिमिट सेम है ना। एक अच्छी बात है, कौन है ये? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कितना होता है? वन। अब करो तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, और आंसर को लिमिट, पहले अपर लिमिट बाद में 60 माइनस 30 30 है ना। ये क्या हो गया? 2i। आई की वैल्यू कितनी होगी? ये 2 ने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कितनी आई? 5/2। ये अगर आप ट्रेडिशनल रूटीन मेथड से करते, रूटीन मेथड से कैसा होगा? रूटीन मेथड क्या बोलती है हमें? कि आप पहले इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस उसकी वैल्यू 1/2 1 माइनस कॉस 1/2 बाहर 1 माइनस कॉस 2। अब उसकी क्या करो? 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का क्या होता है? साइन x अपॉन कोएफिशिएंट, और आंसर को क्या लगा? लिमिट। अब क्या पुट करो? पहले क्या अपर लिमिट और माइनस बाद में क्या पुट करो? लोअर लिमिट। पूरे आंसर में 5/3 माइनस साइन 2 5/3/2 माइनस पूरा फिर से लिखो लोअर लिमिट 5/6 माइनस 2 5/6। ये 5/3 माइनस, बताओ कितना होगा साइन 2 5/3 5/3 60 ना, 62 जा 120, तो साइन 120 कितना होगा? साइन 120, अरे साइन नहीं पता तो क्या करते हैं? कॉस ना, तो कॉस क्या होता है? साइन थीटा का कॉस 5/2। इसको कैसे लिखिए? साइन 60 कितना? √3/2 अपॉन
ये आंसर पूरा वैलिड में था ना, तो क्या होगा साइन चेंज होगा ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स, सिक्सटी माइनस थर्टी थर्टी, और कितना है आंसर, फाइव बाई ट्वेल्व। तो आंसर वही आए, ये अपनी रूटीन मेथड है कि पहले आप इसका इंटीग्रेशन करो, जैसा भी कर देते फॉर्मूला बेसिक या कोई टाइप, और आंसर आने के बाद उसमें लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर सॉल्व। और ये प्रॉपर्टी हमें एक फैसिलिटी देती है, प्रॉपर्टी से क्या होता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है कि जो यहाँ से करने पर टफ जाते हैं या फिर होने में बहुत मुश्किल लगती है, वो प्रॉब्लम प्रॉपर्टी से बहुत ईजीली हो जाता है, इसलिए फिर प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ की जाती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कब यूज़ करनी कब नहीं, है ना, जो इंटीग्रेशन से ईजीली हो जाता है कर लेना, है ना। अब देखो ये कितना ईजी है कि प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना, ज़्यादातर इसमें प्रॉपर्टी वही यूज़ करती है, ये वाली कौन सी, लोअर प्लस अपर माइनस, यही प्रॉपर्टी ज़्यादा। अब हम बताओ यहाँ पे जीरो रहता तो, अगर लोअर लिमिट क्या होता जीरो, तो क्या होता जीरो प्लस अपर, यानी अपर एज करेंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पे लोअर दिख रहा है तो लोअर प्लस अपर माइनस, यही प्रॉपर्टी बार बार यूज करना। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, एक्स की जगह ये स्क्वायर दे सर ऐसा, ये कितना होगा 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, फाइव बाई टू में ट्रिग्नोमेट्री चेंज, ठीक है, ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अब करो फ्रॉम वन एंड वन और टू का क्या करना है एडिशन, ठीक है, तो क्या होगा इधर इंटीग्रेशन का सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है वन, लिमिट सेम रहे तो एक ही बार लिखो वन का, अब करना है इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स, और आंसर को लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिक्सटी माइनस थर्टी थर्टी, और ये टू आया। Thank you.